विचार तो अच्छे बुरे कुछ भी हो सकते हैं, मगर केवल विचार से नहीं है ना मामला। लेजर तो आएगा ही नशा करने से, वो तो बना ही खुशी देने के लिए, मगर साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो हमें समझ ही नहीं। जीवन तो एक कॉम्प्रिहेंसिव है ना। तुम एक बात बताओ, सुबह से शाम तक मैं तुम्हें मार मार के कहूँ नशा नहीं मिलेगा, नशा नहीं मिलेगा, नशा नहीं मिलेगा, ना खाने को दे, ना पीने को दे, ना कुछ और करूँ, क्या होगा? हमारा ब्रेन जो है वो क्लियरली फंक्शन करता है, इट इज वेरी वेरी प्रिसाइज, मतलब इतना प्रिसाइज है, इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है कि सुपर कंप्यूटर हमारे ब्रेन के आगे फेल। ये सारी एआई की बात हो रही है, वो भी हमारे ब्रेन को अभी तक तो डिफीट नहीं कर पाया। क्यों? इतनी चीजें ब्रेन कर सकता है जो कि एक सुपर कंप्यूटर। अब ये फंक्शन ना बहुत ही प्रिसाइज है, एंड दिस वर्क थ्रू द मैसेजेस और थ्रू द इट्स लाइक ए केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब कुछ लोगों का ब्रेन हमारे ब्रेन से कुछ डिफरेंट, उसमें एक में क्लियर मैसेज मिल रहा है कि ये हमारे लिए सही है और दूसरे में कोई मैसेज ही नहीं आ रहा है, कब रुकना है, कब चालू करना है, ये क्या है? केवल एक कंफ्यूजन। तो मैंने ये रियलाइज किया कि यार ये न्यूरोट्रांसमीटर में या इस सिस्टम में कुछ पंगा क्या है, मतलब देयर इज समथिंग ग्रॉसरी। तो आप लोग पी सकते हो? यस। आप लोग अच्छे से पी सकते हो? यस। बट पता नहीं साला कब ब्रेन आपका गड़बड़ा जाए और आपको पता नहीं चले कि आपने किया क्या। ये कुछ जो ये एक्यूरेसी है ये कुछ कम हो गई है, उम्र की वजह से हुई, ब्रेन में कमी थी, कोई ब्रेन में किसी ने झटका मार दिया था, थप्पड़ लगा था बचपन में, कोई वायरल इन्फेक्शन होता, पता नहीं। अब पिछले 30 साल में बड़े लोगों ने ये मुझे ट्राई किया,
एंड ये पूरा मिला के ना एक बीमारी जैसा, इट वॉज नॉट मियर ए बैड हैबिट, इट वॉज नॉट जस्ट ए डिजायर, इट बिकेम लाइक ए डिजीज। आज की तारीख में अगर आप ठीक होना चाहते हो तो इस चीज को क्लियरली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये तीनों चीजें आप लोग यूज कर रहे हो, अपने आप को डरा रहे हो, गिल्टी सॉरी कुछ नहीं होगा, बार्गेनिंग इतनी नहीं उतनी कर लूंगा, ये नहीं वो कर लूंगा, इट विल नॉट वर्क। क्यों भाग रहे हो? हम बार बार ट्राई क्यों कर रहे हैं? कोई ना कोई तो वजह है, कोई ना कोई तो चीज है जो हमें उस तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और ढूंढनी पड़ेंगी वो चीजें, और वो घाटे के लिए तैयार भी होना पड़ेगा। एक बिग कॉम्प्रोमाइज, एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा लाइफ का, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं है, जीना है तो वो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। I think this is very clear that आप लोग मदद लो वह मुकाबले रेजिस्ट करने की, पोस्टपोन करने की, स्टार्ट टेकिंग हेल्प एंड यू हैव टू रिमेन हेल्दी एंड कंटिन्यू योर ट्रीटमेंट एंड रिमेनिंग इन दैट 3-7% डिफाइंड। इट्स अ डिजीज क्लियरली, इट रिक्वायर ए प्रॉपर ट्रीटमेंट, यू हैव टू कंटिन्यू टेकिंग हेल्प। अगर आप मदद नहीं लोगे तो फिर से बार बार आपकी ब्रेन आपको 93% की तरफ पुश करेगी और वापस से आप ट्रैप हो जाओगे। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? अब आपको जो बोलना है। उसने मुझे जब से बताया कि मुझे थॉट्स आने लगे, मुझे भी आने लगे, तो मैंने सोचना शुरू कर। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो 3% आपने बताया, 97 and 3%, क्या जरूरी, ये जरूरी है कि वो 3% गलत भी हो? जो थॉट्स हम लोग को आ रहे हैं वो सही भी तो हो सकते हैं, जो 3% को थॉट्स आ रहे हैं वो सारे थॉट्स गलत तो नहीं हो सकते ना 100%? एक मिनट रुक जाओ ना। देखो यार, हमारी जिंदगी है, मैं ट्रांसजेंड फेज से हमारे को मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो थॉट सही है, गलत है, बहुत अच्छे हैं, सुपर है, ये तुम फैसला। मेट्रो है, चल रही है, रोज चलती है, हर 2 मिनट में गाड़ियाँ आती हैं। तुम्हारा मन है मेट्रो में चढ़ के तुम और ट्राई करना चाहते हो और कर लो, मेरी तो सलाह होगी बहुत हो गया, बहुत निकल लो। कहीं ना कहीं एडिक्शन वर्ड का मतलब ही है कि हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं उस चीज से, फेटल अट्रैक्शन है। तुम्हारा मन है उस मोहब्बत में तुम और ट्राई करना चाहते हो तो करो यार, बहुत अच्छे थॉट्स आ रहे होंगे तुम्हें। मुझे तो ये लगता है कि तुम्हें असलियत की समझ ही खत्म हो गई। तुम यहाँ पे आए तो मैंने तुम्हें डायग्नोसिस किया कि तुम साइकोटिक, तुम अपनी दुनिया में खो गए हो और तुम रियलिटी से हट गए हो। बस कोई ना कोई रीजन तो है ना, हम बार बार यहाँ आ रहे हैं। आप समझ रहे हो बात को बेटा? तो विचार तो अच्छे बुरे कुछ भी हो सकते हैं, मगर केवल विचार से नहीं है ना मामला। प्लेजर तो आएगा ही नशा करने से, वो तो बना ही खुशी देने के लिए, मगर साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है जो हमें समझ ही नहीं। जीवन तो एक कॉम्प्रिहेंसिव है ना। तुम एक बात बताओ, सुबह से शाम तक मैं तुम्हें मार मार के कहूँ नशा नहीं मिलेगा, नशा नहीं मिलेगा, नशा नहीं मिलेगा, ना खाने को देऊ, ना पीने को देऊ, ना कुछ और करूं, क्या होगा? ठीक रहेगा? एक ही चीज तो हो रही है ना, इलाज हो रहा है बस। क्या इलाज हो रहा है? ये समझाया जा रहा है नशा नहीं करना।
क्यों बाकी चीजें तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रही हैं? सो इट्स लाइफ इज ए कंप्लीट, इट्स नॉट वन थिंग, इट्स कंप्लीट। जो भी जना कामयाब हुआ उसको देखते हैं कि यार देखो इस बंदे ने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, कहते नहीं।